तो चलो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं। तो भाई इस बार इस ट्रेलर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा ऊपर हैं। कहने का मतलब भाई इस बार इमोशन का तड़का बहुत तेज लगने वाला है। साथ ही दोस्तों ट्रेलर को देखने के बाद हमारे मन में हाँ या ना के बीच में सवाल तो आते ही है कि पिछले 3 सीजन की तरह हमारे ये हैं इस बार इस जंग को जीत पाएंगे या नहीं, या दोस्तों वेकना अपना घर से होमवर्क करके आया है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो लड़ाई है वो डेमोगोर्गन से नहीं सीधा सीधा वेकना से है। लेकिन दोस्तों अगर आप मूवी सिनेमा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब किए होना तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना, ये हमारी चैनल का रिवाज है भाई। बाकी दो बात और ज्यादा किए बिना करते हैं इस धांसू वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम बहुत ज्यादा यहाँ पर इवेंट से भरा होने वाला है। बाकी यार स्ट्रेंजर थिंग का ट्रेलर इन लोगों ने इस बार जो बनाया है ना, इसमें सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग पॉइंट इसका बीजीएम है। यकीन मानिए दोस्तों नेटफ्लिक्स के लोगों के बाद जो एकदम से म्यूजिक अपना पीक पकड़ता है, यकीन मानिए भाई गूज बम्स वाला सीन आ जाता है। जो स्ट्रेंजर थिंग के इंट्रो का म्यूजिक और यहाँ पर मैक्स मेफील्ड का जो फेवरेट सॉन्ग था उसका जो कॉम्बिनेशन इन लोगों ने बनाया भाई, सच में ऑसम है यार। चलो यार दोस्तों ट्रेलर ब्रेकडाउन की शुरुआत करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है यहाँ कुछ ऐसा कहा जाता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे पता है जो कुछ भी तुमने देखा उन सबको लेके तुम बहुत बड़ी तरीके से डरी हुई हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा इस बार तुम्हारे दोस्त जो हैं वो आने वाली लड़ाई के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं है, हॉकिंस तबाह हो जाएगा। तो यार दोस्तों ये चीज वहां से कनेक्ट हो सकती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नीना को करते समय 11 एपिसोड के एंड तक होश में नहीं आई थी, लेकिन इस बार वो होश में आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों उसकी थॉट प्रोसेस के दौरान उसने नंबर 1 को पूरे तरीके से जाना, आखिरकार कौन है एंड्री क्रील, आखिरकार कौन है वेकना और एक्चुअल में ये क्या चाहता है। साथ ही में हॉकिंस की लैब में इतने सारे बच्चे एकदम से कैसे मरे, यहाँ पर इस चीज पर भी पर्दा उठता है। अब दोस्तों ये जो सीन है वो कई क्लिप्स के कॉम्बिनेशन से चलता है। पहला एक जो सीन है वो हम ऑलरेडी वॉल्यूम 1 के दौरान देख चुके हैं। बाकी डॉक्टर बेनर जो क्रैक को देख रहे हैं वो एक नया सीन है हम लोगों के लिए। भाई दोस्तों मैक्स मेफील्ड को भी देखा जहाँ पर की हम ऑलरेडी वॉल्यूम 1 में देख चुके हैं, यहाँ पर की वेकना मैक्स मेफील्ड को पजेस्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों उसकी अगली फ्रेम में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर हमने इस सीन को अभी तक नहीं देखा है, जहाँ पर की हमने स्टीव, नैन्सी, डस्टिन, लूकस, एरिका और बाकी लोगों को भी देखा। बाकी यार इस सीन में एक बहुत ही ऑक्सिलरी चीज है कि यहाँ पर जिस तरीके से स्टीव नैन्सी की तरफ देख रहा था तो यहाँ पर उसके दिल में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो नैन्सी के लिए फीलिंग्स हैं। अब वहीं दोस्तों नैन्सी के रिएक्शन से तो ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है, और यहाँ पर वो किस चीज से डरी हुई है शायद आपको भी पता होगा। जी हाँ, नैन्सी को यहाँ पर पजेस कर लिया गया था वेकना द्वारा, और दोस्तों यहाँ पर वेकना की असलियत जान लेने के बाद नैन्सी अभी भी उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रही है और अभी भी वो डरी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर ये लोग यूनाइट इसलिए हुए हैं ताकि दोस्तों क्रील हाउस जाकर वेकना की आइडेंटिटी को पता कर सके, और इन लोगों ने दोस्तों टास्क परफॉर्म कर भी दी है। और यहाँ पर मैक्स मेफील्ड के वॉइस ओवर में कुछ ऐसा कहा जाता है कि मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। अब दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि वेकना से लड़ना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। इस बार दोस्तों विलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग का। अब वही दोस्तों प्रोजेक्ट नीने के सेशन हो जाने के बाद यहाँ पर 11 बाहर जाती हुई नजर आती है, और यहाँ पर दोस्तों शायद वो वाला सीन आएगा यहाँ पर कि हमारी जो प्यारी 11 है बच्चों के ग्रुप के साथ फिर से मिल जाएगी। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर माइक ने फाइनली कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं नेवाड़ा के, और हो सकता है कि जल्दी ये पूरा ग्रुप यूनाइट हो जाए। और दोस्तों इस बार डॉक्टर बेनर 11 को रोकने की इंटेंशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 11 को अपने दोस्तों से मिलना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे कैसे भी कर दोस्तों अभी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि यहाँ पर 001 ही वेकना है। अब दोस्तों यहाँ पर यही स्टोरी नैन्सी को भी पता है कि यहाँ पर हेनरी क्रील ही वेकना है और 001 ही हेनरी है। अब दोस्तों वही उसकी कुछ फ्रेम्स बाद हमको नैन्सी एक कॉरिडोर में दिखाई देती है, और उसी कॉरिडोर में हमको वेकना उसकी तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्टोरी टेलिंग का आगे का पार्ट है, जहाँ पर कि अभी भी नैन्सी वेकना के पोजीशन से अभी भी फ्री नहीं हुई है। और शायद दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात पता होगी कि हॉकिंस की लैब में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जहाँ पर नैन्सी कैपेबल थी कुछ करने के लिए, इसके बाद भी वो नहीं कर पाई थी। और हॉकिंस की लैब में आने का एक रीजन बहुत बड़ा हो सकता है कि यहाँ पर नैन्सी को काफी कुछ 11 के बारे में पता था और काफी कुछ वो कर सकती थी, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं कर पाई 11 के लिए, जिसमें से कि यही सेम कपड़े उसने हेनरी क्रील के फ्लैशबैक में भी पहने हुए थे। अब दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पर वेकना अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर यहीं पे विल वायर्स यहाँ पर माइक से बोलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, वो सब लोगों को खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये है कि आखिरकार विल ऐसा क्यों कह रहा है और ये इन्फॉर्मेशन आखिरकार उसे कैसे मिली। शायद दोस्तों यहाँ पर विल इस गहराई को जानता हो जहाँ पर कि वो शायद पहले भी वेकना को देख चुका हो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में, और इस चीज की गहराई भी वो जानता हो कि आखिरकार अपसाइड डाउन वर्ल्ड कितनी खतरनाक जगह है। और यहाँ पर विल को डर हो भी क्यों ना, पूरा एक
सीजन लग चुका, तो शायद दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज की गहराई को जानता हो। और तो और दोस्तों जब से सीजन 4 वॉल्यूम 1 चालू हुआ था तो विल बहुत देर से चुप था, और शायद दोस्तों यहाँ पर ये वही रीजन हो जिसकी वजह से विल बहुत देर से चुप था और बहुत देर से सारे लोगों को ये बात बताना चाह रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल बैटल के दौरान यहाँ पर विल बहुत बड़ा एक रोल अदा करे, शायद दोस्तों यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सी ट्रिक्स उसे पता हो जो कि दोस्तों हमको ऑन स्क्रीन अभी तक नहीं बताई गई है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ने के बाद हमको मैक्स मेफील्ड दोबारा दिखाई देती है, जहाँ पर कि वो अपने टेप रिकॉर्डर की तरफ एक उंगली बढ़ाती है और उसे बंद करती है। और यहाँ तक दोस्तों लोकेशन की बात की जाए तो अभी भी वो क्रील हाउस में ही है, और यहाँ पर दोस्तों हमको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वेकना के पोजीशन से वो अभी भी बिल्कुल फ्री नहीं हुई है, 100% फ्री बिल्कुल भी नहीं हुई है। और इस बात का प्रूफ ये भी हो सकता है, अभी भी दोस्तों जब हमने मैक्स मेफील्ड को वैन में देखा था तो उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए थे। ये दोस्तों इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि दोस्तों यहाँ पर मैक्स मेफील्ड अभी भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस बरत रही है वेकना के प्रति, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा मूवमेंट आ सकता है जहाँ पर वेकना फिर से पजेस्ट कर सकता है मैक्स मेफील्ड को। अब वही उसकी अगली फ्रेम में हमने एडी को भी देखा जहाँ पर कि वो अपना गिटार उठाकर बहुत तेजी में कहीं जा रहा है, और यहाँ पर दोस्तों ये सीन तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड का है, और यहाँ पर दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में इस समय नैंसी बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। तो यहाँ पर नैंसी को पूरे पूरे तरीके से छुड़ाने का यहाँ पर जिम्मा ले चुके हैं एडी, और यहाँ पर रूफ पे जाकर अब वो गिटार बजाने वाले हैं नैंसी का फेवरेट सॉन्ग, और यहाँ पर नैंसी को उस पोजीशन से छुड़ाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगी कि नैंसी के पास अभी भी कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है, क्योंकि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में गए थे, और इस समय एडी का जो गिटार है वही नैंसी की जान बचा सकता है, तो शायद दोस्तों ये वही सीन होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रॉबिन को बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि नैंसी का फेवरेट सॉन्ग यहाँ पर कौन सा है, तो शायद दोस्तों यहाँ पर एडी को उसने ये बात बताई होगी और यही सॉन्ग जाकर वो बजाने वाला है। और दोस्तों ये बात हमको तब पता चली थी जब हमने अपसाइड डाउन वर्ल्ड में नैंसी और रॉबिन को अपोजिट वर्ल्ड यानी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में बात करते हुए देखा था। बाकी इस इवेंट के बाद एक ऐसी क्लिप आती है जिस क्लिप को हम ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हैं, और दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज पर आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके भाई इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिए। बाकी दोस्तों हम अगले सीन में रॉबिन को देखते हैं, और यहाँ पर रॉबिन ऐसा कुछ कहती है कि इस बार ऐसा लगता है कि हम उस वेकना से नहीं जीतने वाले, इस बार शायद हम हार जाएंगे। और ये सारा डिस्कशन जो वो कर रही है वो स्टीव के साथ कर रही है। यहाँ पर दोस्तों हमने इन तीनों को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में साथ भी देखा, और इस सीन में हमको रॉबिन नैंसी और स्टीव तीनों दिखाई देते हैं। अब वहीं दोस्तों हमको मैक्स मेफील्ड भी दिखाई देती है क्रील हाउस की तरफ बढ़ती हुई, शायद दोस्तों ये फिनाले की एंडिंग की तरफ बात हो रही है। सब लोग दोस्तों एक तरफ यूनाइट हो रहे हैं धीरे धीरे कर। और दोस्तों यहाँ पर उसकी अगली ही फ्रेम में हमको यहाँ पर स्टीव नैंसी और रॉबिन फिर से दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो क्रील हाउस में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैक्स एरिका और लूकस तीनों रियलिटी में क्रील हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कोई फ्लैशबैक बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर उसकी अगली ही फ्रेम में हम यहाँ पर हॉपर को परेशान होते हुए देखते हैं जहाँ पर कि वो रशिया से एस्केप करने की प्रोसेस में बहुत बुरे तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पर कि उसको डेमोगॉर्गन के बीच में मिलते हैं। और दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि भाई रशिया से एस्केप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा होने वाली है बीच में। अब यही चीज देखना है इस वॉल्यूम 2 में। उसके अगली फ्रेम में दोस्तों हमको वेकना के वॉइस ओवर में कुछ ऐसा सुनाई देता है कि सब खत्म हुआ, अब तुम सब आगे देखते जाओ। और अगेन दोस्तों यहाँ पर एक स्टोरी का कंटिन्यूशन हो सकता है जहाँ पर 11 वेकना के थॉट्स में अभी भी है, और ये स्टोरी का शायद वही कंटिन्यूशन अभी भी चल रहा है। और शायद दोस्तों यहाँ पर वेकना या माइंड फ्रेयर इस बार एंट्री दोबारा लें इस शो में, और शायद दोस्तों अभी भी 11 के दिमाग से वेकना दोबारा खेल रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर लूकन जेसन को मारते हुए भी दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जेसन ने काम भी बहुत ज्यादा बुरे किए थे, यहाँ पर हेल वायर को पूरे तरीके से खूनी साबित कर दिया था। यहाँ पर ऐसे भी ब्लेम्स लगाए गए थे कि क्रिसी की मौत का जिम्मेदार ये सारे के सारे हेल फायर के मेंबर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये लड़ाई भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। वही दोस्तों हमने नैंसी को भी देखा यहाँ पर गन शॉट करते हुए, और इसी सीन में दोस्तों हमको स्टीव भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पर ये सीन बहुत हद तक उस जगह से मैच करता है जहाँ पर कि वेकना इस समय अपनी पावर्स को और ज्यादा पावर अप करता है, यहाँ पर कि कुछ पीछे बोन्स लगती हैं और उसे बहुत ज्यादा ओवर चार्ज मिल जाता है। अब वही दोस्तों हमने रॉबिन को भी देखा जहाँ पर कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड की जो वेन्स है उसमें जाकर फंस चुकी है, और यहाँ पर स्टीव उसकी पूरे पूरे तरीके से मदद कर रहा है उसे छुड़ाने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको शायद एक बात बहुत अच्छे तरीके से ये भी पता होगी कि यहाँ पर डेमोगॉर्गन आग से बहुत बुरे तरीके से डरते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मैंने भी लगाई हुई है, यहाँ पर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो ये जगह
एक रियल वर्ल्ड नहीं है, ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कोई सीन है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आसपास जो डस्ट उड़ती आप देख रहे हैं वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही पॉसिबल है। शायद दोस्तों यहाँ पर जॉयस या फिर हॉपर किसी मुसीबत में फंस गए हो डेमोगॉर्गन के रहते हुए और यहाँ पर मुरी उन्हें छुड़ा रहा हो। बाकी यार दोस्तों ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आप बताइए दोस्तों ये रियल वर्ल्ड का सीन है या फिर अपसाइड डाउन वर्ल्ड का सीन, या तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक बर्फ के थोड़े बहुत टुकड़े हो सकते हैं, हम सब इनको फ्यूज भी कह सकते हैं जो कि हमने पहले कुछ सीन्स में भी देखे हुए हैं। यहाँ पर कि दोस्तों वो रशियन जनरल और हॉपर्स के कुछ सीन में हमको यही के यही फ्यूज भी दिखाई देते हैं। बाकी यार दोस्तों इस चीज के बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूँ। अब वही दोस्तों यहाँ पर हमने 11 को एक ब्रिज पर भी खड़े होते हुए देखा था और 11 ने वही कपड़े पहने हैं जो कि वे प्रोजेक्ट नीना के दौरान भी पहने हुए थे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और भी ज्यादा ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एक डीजे स्टैंड भी हमको दिखाई देता है जो कि हमको पहले के कई सीजन में भी दिखाया जा चुका है, जो कि हॉकिंस स्नोबॉल 84 का है। अब दोस्तों यहाँ पर इस फ्लैशबैक को बताने का क्या रीजन हो सकता है ये आप मुझे बताइए दोस्तों, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब ट्रेलर के एंड होते होते हमारे चेहरे पर मुस्कान भी आती है क्योंकि दोस्तों हमने फाइनली प्रोजेक्ट नीना के दौरान 11 की पावर को यूज करते हुए देखा। अब वही दोस्तों थोड़ा बहुत घबराने वाला सीन भी आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वैकना ने कैसे भी कर मैक्स मेफील्ड को पजस्ड कर लिया है और अपसाइड डाउन वर्ल्ड में दोबारा लेकर आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो है 11 की पावर का वापस आना। और शायद दोस्तों इस ट्रेल के एंड होते होते हमको उसका सबूत भी मिल चुका है यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं हमको 11 भी खड़ी दिखती है। और तो दोस्तों यहाँ पर 11 ने वही कपड़े दोबारा पहन लिए हैं जिन कपड़ों से उसे किडनैप किया गया था और यहाँ पर नेवाड़ा की जो लैब वाली लोकेशन है उसे वहाँ पर डॉक्टर बैनर के पास लाया गया था। वही दोस्तों एक सीन में हमको डस्टिन भी दिखाई देता है जहाँ पर कि वो बहुत बुरे तरीके से चिल्ला रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टीव और डस्टिन के जो बॉन्ड है समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको शायद एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर स्टीव को कुछ बैट्स ने काटा था और उसका इन्फेक्शन अभी भी शायद उसे है। और इस चीज की थोड़ी बहुत डिटेल हम तब देख सकते हैं जब वो ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर स्टीव हमको थोड़ा बहुत खांसते हुए भी दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों इनसे पहले जो कुछ सीन आए थे तब तो हमने स्टीव को कुछ भी करते हुए नहीं देखा था। अब वहीं यार दोस्तों हमने हॉपर को देखा जहाँ पर कि वो डेमोगॉर्गन के ऊपर दबा हुआ है और यहाँ पर ट्रेलर थोड़ी बहुत एंडिंग की तरफ और बढ़ता है तो हमको यहाँ पर 11 भी दिखाई देती है क्रील हाउस के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों ये रेड एनवायरनमेंट जो आपको दिख रहा है वो बहुत हद तक नैन्सी वाले एनवायरनमेंट से भी मैच करता है जहाँ पर कि नैन्सी को पजेस्ड कर लिया जाता है वेक्ना द्वारा। और शायद दोस्तों ये वही सीन होने वाला है जहाँ पर हम 001 और 011 को लड़ते हुए देखेंगे जो कि भाई अब तक का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग सीन होने वाला है और इस सीन के लिए हम बहुत ज्यादा तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। बाकी तहे दिल से इंतजार तो मैं आप सबकी थ्योरीज का भी कर रहा हूँ, यकीन मानिए दोस्तों आप लोगों की थ्योरी हम लोगों से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो भाई नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं ट्रेलर को ध्यान में रखते हुए। बाकी कुछ काम के चलते हुए मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ अब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, मैं जल्दी रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बाकी यार वीडियो को लाइक किए होना तो बिल्कुल भी मत जाना। और इसी तरह के दोस्तों रेगुलर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में ऐड कर ही लीजिए तो ज्यादा सही होगा। कर दो यार सब्सक्राइब क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए खैर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक सिद्धासु वीडियो में, तब तक के लिए बाय।